हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप एकदम से बिंदास हो गए। दोस्तों, आज मैं अपनी व्हाट्सएप की ऐसे 7 गजब की टिप्स, हैकिंग टिप्स लेके आया हूँ। अगर आप इनको यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पर, अपने व्हाट्सएप पर, तो आप व्हाट्सएप पे तहलका मचा सकते हैं पूरी तरह से। इतनी गजब की ट्रिक है। और दोस्तों, ये ट्रिक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही गजब की ट्रिक है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ऐसी गजब गजब की ट्रिक है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आएंगी। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम आएंगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं तो नहीं कर दो ना, क्या दिक्कत है। आज मैं आपको दोस्तों, जो भी मैं आज आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वाकई बहुत ही गजब की ट्रिक है। दोस्तों, ये कुछ फीचर फोन में होते हैं, बट हम लोगों को नहीं पता चल पाता, क्योंकि हमने कभी उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की होती है। तो चलिए, हम जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बातचीत ज़्यादा ना करते हुए आते हैं टॉपिक पर। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहली ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही गजब की ट्रिक है। सबसे पहली ट्रिक ये है कि कई बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं यार कि यार काश कोई ऐसी ट्रिक होती जिसकी वजह से हम अगर किसी को चैट करें या किसी को रिप्लाई करें तो उसको हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ना दिखाई दे। मतलब उसको मैं ऑनलाइन ना दिखूँ, मतलब उस बंदे को मैं ऑफलाइन ही दिखता रहूँ। उसमें टाइमिंग लिखा हो पहले का और मैं उसको चैटिंग पर चैटिंग करता रहूँ उसके साथ, वो ये देख के हैरान हो जाए कि यार ये बंदा चैटिंग कर कैसे रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप अपने व्हाट्सएप पर जाते हैं, ठीक है। अपने जैसे व्हाट्सएप जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी बंदा अगर आपको मैसेज करता है, ठीक है, तो आप क्या देखते होंगे कि ऊपर से यहाँ पर आ जाता है एक मैसेज, ठीक है। और आप क्या करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका आपके फ़ोन पर मैसेज आता है तो बाहर से ही आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद में जो भी आपका मैसेज हो वहाँ से आप उसे क्लिक करना है। इसके बाद उसमें देखना है, थोड़ा सा क्लिक करना है, राइट साइड में एक एरो रहती है ऊपर से मैसेज में, ठीक है। तो अब जब वहाँ आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे तो एक रिप्लाई का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे उस पर क्लिक कर दोगे तो पूरा आपका जो कीबोर्ड होता है वो खुल के आ जाएगा और आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका लाइव नहीं शो करेगा, आप उसमें लाइव या ऑनलाइन नहीं दिखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार जरूर से ट्राई करना, ओके। और अगर आपको तब भी प्रॉब्लम होती है तो एक एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उस एप्लीकेशन का नाम है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ऑफलाइन चैटिंग, सॉरी चैट, ऑफलाइन चैट। जैसे लिखेंगे तो ये फर्स्ट में एप्लीकेशन आ जाएगा, देन इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको इसको टिक कर देना है एंड इसको ओके कर देना है, ओके। अब यहाँ से आपको कोई भी बंदा, अब यहाँ पर आप अगर बैटरी आपकी बहुत ही वीक है तो यहाँ पे आप डार्क मोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ से अब आपको कोई भी बंदा मैसेज करता है तो आपको व्हाट्सअप ना ओपन करके ये एप्लीकेशन ओपन कर देना है। जैसे आप ये एप्लीकेशन ओपन कर देंगे और इसको अलाउ कर देंगे, थोड़ा सा कट मार देना है, एंड इसके बाद एप्लीकेशन को यहाँ से अलाउ कर देना है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है, ओके। एंड यहाँ से चले जाना है बैक, और उसके बाद में लेट्स डू दिस, इस पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। कुछ परमिशन होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ कर देना है। अब यहाँ से आपको अगर कोई भी बंदा चैटिंग करता है आपके साथ, तो ये इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे किसी भी बंदे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे उसको मैसेज सेंड करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपको आपका अगर ऑनलाइन दिख जाता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने खुद करके देखा है, और अभी मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इस वजह से मेरे पास दो फोन नहीं है। पर मेरे भाई, मैं वादा करता हूँ आपसे, बहुत ही गजब की ट्रिक है यार ये। एक बार जरूर अपने फोन पे ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अप्लाई करना, ओके। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रिक आती है, कभी कभी क्या होता है, हम किसी बंदे को मैसेज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जैसे मैं दिखा देता हूँ एक, अब यहाँ से मैं किसी को बंदे को मैसेज करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम इमोजी सेंड करते हैं जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे से, ओके। एंड यहाँ पे हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही गजब के इमोजी सेंड कर सकते हो किसी भी बंदे को, वो देख के हैरान हो जाएगा। चलिए एक दिखा देते हैं, और ये थोड़ी सी मतलब ये एनिमेटेड इमोजी है, ओके। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो देखो, तो ये कुछ इस तरह से लगते हैं, ओके। इसके बाद में कुछ भी दोस्तों, बहुत ही गजब के एनिमेशन है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे इमोजी। यहाँ पर आप अपने नाम का, अपने चेहरे का भी इमोजी बना सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट है, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इमोजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए आप मेरा फेस लगा हुआ है, यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा इमोजी है, ठीक है, वाटर, अलॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने इमोजी, बहुत सारे इमोजी सेंड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ओके। जैसे कि मैं सेंड करता हूँ किसी को भी, बहुत ही गजब की। इसमें और बहुत सारे फीचर हैं, एक एप्लीकेशन है, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। और दोस्तों, ये अगर आप अपने फ़ोन पे इंप्लीमेंट करते हो तो मेरा आपसे वादा है कि यार व्हाट्सअप में तो साला आप तो हल्का मचा के ही रहोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही गजब का है। चलिए इसमें और इसके अंदर के फीचर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं फटाक से। आजकल का ऐसा ज़माना है भाई, जो जो दिखता है वही बिकता है। अगर उसके फीचर आप नहीं देखेंगे तो शायद आपको वो ऐसे ही सिंपल एप्लीकेशन लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह का, इसका नाम है बबल आल कीबोर्ड, ठीक है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर कैमरा कुछ परमिशन होगी, इसको अलाउ करने के बाद देन यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप अपनी फोटो खींच करके और इसके बाद में आप अपना इमोजी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना रखा है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर बहुत सारे इमोजी देखने को, वैसे भी आपको इमोजी मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इमोजी खुद का क्रिएट करें तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने क्रिएट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे इमोजी देखने को मिलेंगे आप, और बहुत सारे स्टिकर। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे इमोजी मैंने अपने नाम के बना रखे, देख सकते हैं आपको मेरा फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो यार यहाँ पर बहुत ही गजब का, ये मुझे भाई बहुत ही बेस्ट लगा यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये आपको कैसा लगा। ओके, इसके बाद चलिए दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हुए। ओके, कई बार क्या होता है, हमें किसी का व्हाट्सअप स्टेटस अच्छा लग जाता है और उसे हम डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हैं प्ले स्टोर से जाके। भाई आपके ही फ़ोन में है वो फीचर, तो क्यों इंस्टॉल करते हो यार? मुझे साला यही समझ में नहीं आता कि एप्लीकेशन साला कौन इनको सजेस्ट करता है। भाई एप्लीकेशन मत इंस्टॉल करो यार, ये फीचर आपके ही फ़ोन पे है, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्टेटस आपको लाइक अच्छा लग गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन उस वो जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, स्टेटस के सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। एंड इसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से बिल्कुल होम पर चले जाना है, और यहाँ से आपको अपना अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर ओपन करना है। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक करना है और इंटरनल स्टोरेज पर चले जाना है, और यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को बहुत ही गजब का होने वाला है, ठीक है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो मेरी आपसे गारंटी है कि आप इसमें कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सअप करके। ओके, तो दोस्तों जैसे ही आप व्हाट्सअप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आप उस पर जैसे क्लिक करेगा करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये बात कि आपको SD कार्ड पर नहीं क्लिक करना है दोस्तों, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा वो, ठीक है। आपको करना है इंटरनल स्टोरेज पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जस्ट नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मीडिया करके, आपको मीडिया पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर से, सेकेंड ऑप्शन स्टेटस करके। ओके, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको वो सारे फोटो वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके स्टेटस पर शो कर रहे थे। आप जो भी वीडियो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है आप उसको सेव करके रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। और वो स्टेटस वैसे भी सेव रहते हैं लेकिन कई बार चले भी जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से गैलरी में फ़ोन की सेव कर सकते हैं। ओके, तो मुझे बहुत ही गजब की ट्रिक लगी यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना। ओके, इसके बाद में बात आती है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने गर्लफ्रेंड से या आपने अपने किसी प्राइवेट पर्सन से बात की, ठीक है, और आप चाहते हैं कि घर का कोई भी बंदा या घर का कोई भी सदस्य या मेरा कोई भी फ्रेंड मेरी किसी भी पर्सनल चैटिंग को पढ़ ही ना पाए, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ओनली, ये जो दिखाई दे रहा है ये अचीव का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी चैटिंग हाइड तो हो जाती है, बस जस्ट नीचे अचीव अचीव करके लिखा होता है उस पर क्लिक करके कोई भी चैटिंग पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है फीचर, बट अगर आप ये कर देते हैं तो यहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए हाइड हो जाएगी। इसके बाद में आप एक एप्लीकेशन का यूज़ करें इसके साथ ही, जो कि बहुत ही गजब का है। उस एप्लीकेशन को मैं आपको इंस्टॉल करवा देता हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है लॉक चैट। ओके, तो जल्दी से जाता हूँ प्ले स्टोर में और आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं सारा कुछ लाइव ही करने वाला हूँ, आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा भाई, जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है यार, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है लॉकर फॉर व्हाट्स चैट ऐप। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, एंड मैं सारे एप्लीकेशन एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती तो। इसको सबसे पहले ओपन कर लेना दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए कि यार आपका टाइम ना खराब हो। ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड आप एक क्रिएट कर लीजिए। ओके, जैसा कि मैंने क्रिएट कर रखा है, इसके बाद में इनेबल इसको कर देना है और यहाँ से इसको परमिशन दे देनी है। ओके, अब यहाँ से एप्लीकेशन पे इस पर क्लिक करना है एंड इसको अलाउ कर देना है, और यहाँ से अलाउ कर देना है। जब आप अलाउ कर देंगे तो यहाँ से पूरी तरह से हो गया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैक जाना है, आपको यहाँ पर लिख देना डोंट मिस आउट फ्री, इस पर क्लिक करना, यहाँ से बैक जाना थोड़ा सा। अब यहाँ से बैक आ चुके हैं, अब यहाँ से हमें जो भी चैटिंग को हाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अपना पासवर्ड डाल देना है, वही जो आपने क्रिएट किया था। तो मैं फटाफट डाल लेता हूँ मैंने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं इस पर्सन को हाइड करना चाहता हूँ, जैसे आनंद कुमार है, इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये देखिए ये बंदा हाइड हो गया। अब चलते हैं लाइव व्हाट्सअप की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं व्हाट्सअप की तरफ, दिखाते हैं ये बंदा लाइव ये लॉक हुआ है या नहीं। चलिए देखिए, पासवर्ड मांग रहा है, पहले ही डाल दिया, देखिए है। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए जितनी बार आप ओपन करेंगे तो ये लॉक रहेगा, अगर आप इसमें अपना फिंगरप्रिंट अभी ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक फीचर मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ही कम चलती है तो आप इसमें एक डार्क वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर में सर्च कर देना है व्हाट्सअप वॉलपेपर करके। ओके, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो फर्स्ट में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एंड उसमें बहुत सारे आपको देखिए एप्लीकेशन देखने को मिल सॉरी फोटो देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप इनको अपने व्हाट्सअप पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों जिससे कि आपकी बैटरी सेव हो सकेगी, ओके, बच सकेगी और आप लॉन्ग टाइम तक व्हाट्सएप को यूज़ कर पाएंगे। ओके,
कभी कभी क्या होता है, कोई भी बंदा हमें मैसेज करता है व्हाट्सअप पर, लेकिन हम उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन क्या करेगा, अगर आपको कोई मैसेज करता है हाउ आर यू, तो वो अपने आप टाइप कर देगा आई एम फाइन। अगर वो पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो वो आपको आपका वो एप्लीकेशन टाइप कर देगा आई एम बिजी। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अगर रिप्लाई करना चाहते हैं बिना अपने द्वारा या मतलब एप्लीकेशन के द्वारा, तो इस एप्लीकेशन का जरूर से यूज़ करिएगा। ये खुद ही रिप्लाई कर देता है, ऑटो रिप्लाई है। ओके, तो इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप ऑटो रिप्लाई। ओके दोस्तों, इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। यहाँ पर ये वीडियो लास्ट में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि सर कोई ऐसी ट्रिक बताए जिससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड का व्हाट्सअप हैक कर सकूँ। तो दोस्तों इसके लिए ही मैंने ये लास्ट में ट्रिक रखी है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद में थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अब यहाँ पर जस्ट नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री पर जैसे क्लिक करके थोड़ा सा ऐड देखने को मिल सकता है, तो आपको राइट साइड पर ऊपर क्रॉस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक आपको बारकोड देखने को मिलेगा। दोस्तों आप जिस भी बंदे का व्हाट्सअप अपने फोन पर चलाना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये बारकोड उसके फोन से स्कैन कर देना है। आप जैसे ही स्कैन करोगे उस बंदे का व्हाट्सअप से, तो गारंटी देता हूँ उसका पूरा का पूरा व्हाट्सअप आपके फोन पे खुल जाएगा, और जब तक ये एप्लीकेशन आपके फोन पे रहेगा उसका व्हाट्सअप आपके फोन पर चलता रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो इसको भी जरूर से ट्राई करना, और प्लीज़ यार प्लीज़ इसका मिस यूज मत करना यार। ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही गजब का लगा होगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं यार ब्रदर, नहीं तो कर दीजिए ब्रदर। ओके, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।